हेलो फ्रेंड्स, विशाखा व्यास शर्मा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए रिव्यू लेकर आई हूँ एक डे क्रीम का। जी हाँ, क्योंकि विंटर्स चल रही हैं और स्किन को ना स्पेशल केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जैसा कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि मैंने कितने सारे शॉपिंग प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं, सो उसमें से 1 by 1 मैं यूज़ करूँगी और आप लोग को उनका रिव्यू दूँगी। तो चलिए, आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ ऑर्गेनिक हार्वेस्ट विटामिन सी ऑर्गेनिक डे क्रीम का। तो दिस इज़ द आउटर पैकेजिंग, आप देख सकते हैं। ऑर्गेनिक हार्वेस्ट एक बहुत ही अच्छा ब्रांड है जो कि स्किन केयर प्रोडक्ट्स बनाता है, जिसमें स्किन केयर है, हेयर केयर है, लिप केयर है और अदर प्रोडक्ट भी आप लोगों को मिल जाएंगे। उसी के साथ इस पर्टिकुलर क्रीम को डे यूज़ के लिए बनाया गया है और इसमें है अकाई बेरी एंड डेजी फ्लावर, जो दोनों ही इसमें मेन इंग्रेडिएंट है। तो चलिए, सबसे पहले देखते हैं इसका बेसिक डिटेल। इसका जो प्राइस है वो है 695 रुपये। उसी के साथ ये 2 साल शेल्फ लाइफ के साथ आता है और ये 50 ग्राम क्वान्टिटी के साथ आती है। तो अब मैं बताती हूँ आपको इसकी इनर पैकेजिंग। मैं इनर पैकेजिंग इसमें इस तरह की आती है। ये एक कांच का जार है जो कि बहुत ही प्यारी इसकी पैकेजिंग है, आप देख सकते हैं बिल्कुल इस तरह से। और इसमें क्रीम पूरी भरी हुई है और मैं इसे 15 से 20 दिनों से ऑलमोस्ट यूज़ कर रही हूँ। इसकी बहुत ही कम क्वांटिटी आपके स्किन पर अच्छे से फैल जाती है और आपको पूरे दिन आपके फेस को मॉइस्चराइज रखती है। तो इट्स अ वेरी नाइस क्रीम और ये बहुत ही मॉइस्चराइज्ड क्रीम है। आप देख सकते हैं कितनी एम्प्टी हो चुकी है और ये बहुत ही कम एम्प्टी हुई है, क्योंकि बहुत ही कम क्वांटिटी आपके फेस के लिए इनफ होती है। और डे क्रीम तो आप दिन में एक ही बार लगा सकते हो और जो घर पे रहते हैं वो 2 बार भी यूज़ कर सकते हैं। जो बाहर ऑफिस वगैरह जाते हैं वो मॉर्निंग में लगा के जाते हैं और ये फुल डे मेरे फेस पर लगी रहती है। मैं सुबह इसे लगा के जाती हूँ, उसके बाद मैं शाम को आकर अपना नाइट रूटीन ही करती हूँ सीधा। उससे पहले इस क्रीम को नहीं अप्लाई करती और ये फुल डे 8 to 9 आवर्स मेरे फेस पर चल जाता है। तो अब मैं बताती हूँ आपको इसका टेक्स्चर। और टेक्सचर इसका इस तरह से है। ये ऑफ वाइट कलर का इसमें क्रीम है। ये एक्चुअल में वाइट कलर नहीं है, आप देख सकते हैं इसमें यहाँ टेक्सचर। और इस तरह से यहाँ पर आप इसे अभी मैं आपको यहाँ पर ही लगा के बताऊँगी। सो ये बहुत ही अच्छी मॉइस्चराइज़र डे क्रीम है। जनरली डे क्रीम्स मैंने देखी हैं कि उनका टेक्सचर जो होता है ना, वो बहुत अलग होता है, उतना मॉइस्चराइज नहीं करती है और स्किन में जाते एकदम से गायब हो जाती है, फैल भी नहीं पाती है। बट इसका टेक्स्चर ना बहुत ही सिल्की, स्मूथ और एकदम मॉइस्चराइज्ड है। ये आपके फेस पर बहुत ही अच्छे से फैल जाती है। आप अच्छे से मॉर्निंग में अपना फेस वॉश करें या फिर डे में अपना फेस वॉश करें, उसके बाद आप इस क्रीम को अप्लाई करें और ये विदिन 1 to 2 सेकेंड आपकी स्किन में ब्लेंड हो जाती है, बैठ जाती है, जिससे आपको ज़्यादा स्टिकीनेस नहीं होती है, बिल्कुल भी स्टिकीनेस नहीं करती है। उसी के साथ साथ प्लस मॉइस्चराइज्ड भी, बैलेंस भी बनाकर रखती है। तो ये क्रीम मैं बिल्कुल हाईली रेकमेंड करूँगी और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। सेम क्रीम मेरी फैमिली में और भी मेंबर है जिन्होंने परचेज़ किया है मेरे कहने पर, और उन लोगों का भी जो रिव्यू है ना वो बहुत पॉजिटिव है। अगर आप अफोर्ड करें और अगर आपको कहीं कोई कूपन मिल जाता है जो इसकी डायरेक्ट वेबसाइट पर आपको ये अफोर्डेबल मिल रही हो ना, तो डेफिनेटली बिना सोचे समझे ग्रैब कर लीजिए, इसको ले लीजिए। ये बहुत अच्छी मॉइस्चराइजर क्रीम है, बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं करती है, स्टिकी भी नहीं करती है। उसके अलावा आपकी इस फेस पे मॉइस्चराइज बना के रखती है, वो भी 8 घंटे, वो भी विंटर्स में। अगर कोई क्रीम 8 घंटे आपके फेस पर मॉइस्चराइजर बना के रख रही है ना, तो दैट इज़ वेरी वेरी नाइस क्रीम। सो मैं इसको हाईली सजेस्ट करूँगी। और उसी के साथ इसमें विटामिन सी है जो आपके फेस के मार्क्स को रिमूव करता है, स्पॉट्स को रिमूव करता है, आपकी स्किन को बैलेंस रखता है। और विटामिन सी ना आपके स्किन के लिए, हेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस क्रीम में जितने भी इंग्रेडिएंट है वो आपके स्किन के डैमेज को रिपेयर करता है, डल स्किन को इम्प्रूव करता है। उसी के साथ आपकी जो स्किन टोन का अनइवननेस है उसको भी इवन रखता है और आपकी जो स्किन है उसके टेक्सचर को बहुत ही अच्छा बनाता है। और उसी के साथ मैं इसे हाईली रेकमेंड करूँगी। अगर आपका बजट अलाउड करता है तो डेफिनेटली आपको एक बार इस क्रीम में जाना ही चाहिए। इस क्रीम को एक बार आप यूज़ करने के बाद बिल्कुल भी आपको रिग्रेट नहीं होगा। ये मेरी मोस्ट फेवरेट है, क्योंकि आप लोगों के क्योंकि आप में से कई लोग अगर मुझे पुराने सब्सक्राइबर हैं और मुझे जानते हैं तो उनको पता है कि विंटर्स में मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो दिस क्रीम इज़ वेरी परफेक्ट फॉर मी, तो मैं इसे हाईली सजेस्ट करूँगी। सो दिस इज़ माई रिव्यू और आई होप आपको मेरा ये रिव्यू और ये टेक्सचर डेमो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये एक छोटा सा रिव्यू अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।